हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आर्यन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें क्योंकि मैं डेली नई वीडियोस लाते रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टेक न्यूज़। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों, शाओमी अपने बड़े बड़े टैबलेट्स पर काम कर रहा है सीधा आईपैड को टक्कर देने के लिए, और उसके कुछ स्पेसिफिकेशन आ गए हैं। जो बैटरी होने वाली है वो 12,500 mAh की होने वाली है, क्योंकि टैब भी बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए टैबलेट बड़ा होने वाला है तो बैटरी भी बड़ी होगी। और साथ ही साथ 120 Hz की रिफ्रेश रेट भी आने वाली है, इससे फ़ोन हैंग कम होगा जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो फिर ये काफ़ी अच्छा है कि टैब्स में भी अब फास्ट रिफ्रेश रेट कंपनीज देने लग गई हैं। और आज दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जो कल रेडमी नोट 10 प्रो 5G लॉन्च हुआ है, पोको F3 GT उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, ना कि रेडमी K40 गेमिंग एडिशन का। तो रेडमी शायद ऐसा हो सकता है कि ये वाली बात सही हो और रेडमी के गेमिंग एडिशन ये वाला शायद अपने नाम से खुद के सी आए, क्योंकि हाँ K सीरीज़ भी इंडिया में क्योंकि आई थी K20 प्रो वगैरह, तो हो सकता है कि K40 गेमिंग एडिशन के नाम से ही आ जाए। और अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वन प्लस का जो नॉर्ड CE 5G फ़ोन था वो अमेज़ॉन पर लिस्ट हो चुका है, और उसका बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। अभी अभी डेट अनाउंस नहीं करी है, बट उसमें वो कुछ TVs और बाकी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। और SU1 ब्रांड के नीचे वो टीवीज लॉन्च करेंगे, 50, 55 इंच, 65 इंच तक की टीवीज लॉन्च करने वाले हैं। तो फिर टीवीज में अगर कुछ खास होगा तो मैं आपको अपने टेक न्यूज़ में बता दूंगा, और धीरे धीरे अब दोबारा सिचुएशन बेटर हो रही है तो फिर अब नए नए लॉन्चेस हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें नए नए लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनीज ने पहले बहुत ही बंद किया हुआ था लॉन्चेस का सारा काम पूरा ख़त्म। और दोस्तों आज गूगल ने और फेसबुक ने कल बोला था कि हम अपनी जब आपने बोला इंडियन गवर्नमेंट को कि रूल्स का हम पालन करेंगे, आज ट्विटर ने भी बोल दिया है कि अब इंडिया के लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम आपके रूल्स का पालन करेंगे, ऐसे नहीं करते तो इस बैन हो जाते, अगर ऐसा उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दिया होता तो। अब कोई बात नहीं, अब बैन नहीं हो रहे। वैसे मुझे लगा ही था कि ऐसा होने नहीं वाला, न्यूज़ आई थी बट मुझे नहीं लगा था कि भाई इतनी जल्दी बैन हो जाएंगे। और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है, और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 3rd week of June में आएगा। पहले बोले थे पूरी डेट दे रही थी 18 जून, अब 3rd week, पहले बोले थे 10 जून, फिर बोले थे 9 जून। ये पता नहीं, कुछ अभी पता नहीं, ऐसे तुक्के दिए जा रहे हैं हर जगह। तो फिर मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कब लॉन्च होगा, क्योंकि तुक्के हमारे जा रहे हैं हर जगह, तो कभी भी लॉन्च हो सकता है। तो मैं जब ऑफिशियल डेट आ जाएगी तो मैं आपको बता ही दूंगा। और दोस्तों आज आईटेल ने आईटेल 23 प्रो को लॉन्च कर दिया है जियो के साथ पार्टनरशिप करके, और अंडर 4000 में आपको एक 4G फ़ोन मिल रहा है। अभी जियो फ़ोन की बात अलग है, बट 4G टच स्क्रीन फ़ोन, जियो फ़ोन कीपैड वाला है बट वो भी 4G है। और इसके स्पेसिफिकेशंस ऐसे ही हैं सस्ते फ़ोन वाले, 1 GB रैम है दोस्तों, 8 GB स्टोरेज, एंड्रॉयड 10 गो एडिशन, और छोटी बैटरी है 3000 mAh की। साथ ही साथ इसमें 2 MP का आपको कैमरा मिल जाता है। अब भाई सस्ता फ़ोन है तो स्पेसिफिकेशंस भी आपको सस्ते। दोस्तों आज भी ख़त्म, पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, PlayStation 5 फिर से आज प्री ऑर्डर पे गया, 10 मिनट में पूरा ख़त्म। तो बार बार ऐसा ख़त्म होता जा रहा है, तो फिर यार ऐसा कैसे लोग खरीद ही नहीं पा रहे आजकल, तो ये दिक्कत।
बहुत ज़्यादा आ रही है। और रियलमी अपना एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है, Realme C25, और एस Realme C25S लॉन्च होने वाला है, जिसमें 6000 mAh की बैटरी हो सकती है, FHD प्लस डिस्प्ले हो सकती है, 4 128 GB वाला वेरिएंट, और ये 10,000 के नीचे आने वाला है। और ये वाला फ़ोन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन आएंगे वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे। जैसे इंस्टाग्राम ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि हम लाइक्स को हाइड कर रहे हैं, बट अब उन्होंने ऐसा हटा दिया है। अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि क्रिएटर के ऊपर है कि वो अपने लाइक्स को हाइड करता है या नहीं, और फिर ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। पर मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, हाँ पर मैं ट्विटर ज़रूर चलाता हूँ दोस्तों। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अबाउट पेज में लिंक दी हुई है। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।